हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुल्लू मनाली का जो टूर है कोलकाता से, वो आप कैसे कम खर्चे में आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो आप कोलकाता से कैसे आप पहुँचेंगे कुल्लू या मनाली तक, ये बोलना चाहेंगे कि आप पहले बात तो चीप बजट में अगर करना चाह रहे हैं तो ट्रेन में आपको जाना पड़ेगा, और अगर आपका बजट बहुत हाई है तो आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मनाली, कुल्लू मनाली शिमला भी कर सकते हैं, शिमला इंक्लूडिंग शिमला टूर भी कर सकते हैं। मैं तो शिमला नहीं गया क्योंकि मुझे सिर्फ मनाली और कुल्लू करना है इसीलिए। और अभी बात करते हैं चलिए कि कैसे आप पहुँचेंगे मनाली तक। सबसे पहले आपको हावड़ा से आपको या सियालदा से कलकत्ता कोलकाता का ट्रेन पकड़ना होगा, कोई भी ट्रेन जो दिल्ली होके जा सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रेन है आपको आपका ये है कालका मेल, ठीक है, हावड़ा कालका मेल। और इसका जो भाड़ा लगेगा आपको, लगेगा थर्ड एसी में अगर जाएंगे तो 1800 रुपये, ठीक है। आपको अगर स्लीपर में जाना है, अगर आप कम बजट में बात कर रहे हैं तो स्लीपर का ही बात करेंगे, तो स्लीपर में अगर जाएंगे आपको 600 से 650 के बीच आपका भाड़ा होगा, ठीक है। और ये भाड़ा आपका शिमला, शिमला नहीं, इसका कालका तक है, ठीक है, कालका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन ऑफ शिमला, ठीक है। तो आप शिमला होके जा सकते हैं, और दिल्ली होके भी जा सकते हैं, और या चंडीगढ़ होके भी जा सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप अगर चंडीगढ़ होके जाएं तो ये सबसे अच्छा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ से बस, दिल्ली से भी बस बहुत ही अवेलेबल है मनाली के लिए। और मनाली का टूर में सबसे बड़ी बात, कब आप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस विंटर के मौसम में जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि पूरा बर्फ़ भरा हुआ रहता है। मैं गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो मार्च में ही मनाली में पूरा मेल रोड जो है वो बर्फ़ में ढका हुआ था। तो आपको जाना पड़ेगा मार्च के बाद या नवंबर से पहले, ठीक है। और एक बात, आप बारिश के मौसम में मत जाइए, मतलब मौसम मौसम का जो मौसम होता है जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना छोड़ के आप जा सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम में जो सबसे ज़्यादा खराब है ये है लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। तो ये 3 महीना छोड़ के आप कभी भी जा सकते हैं। विंटर में बहुत ही बर्फ़ मिलेगा आपको, अगर आप दिसंबर का लास्ट वीक से फेब्रुआरी मार्च का फर्स्ट वीक तक आप जाएंगे तो बहुत ही बर्फ़ है। और एक बात, आप शिमला होके अगर जाएंगे तो कलका जो मेल है, कलका ये है लास्ट स्टेशन, और कलका से आपको सुबह उसी का कनेक्टिंग मेल ट्रेन है, एक एक्सप्रेस, वो है शिवालिक एक्सप्रेस, ठीक है। उसका भाड़ा है 600 रुपये, आपको ये पहुंचा देगा कलका से शिमला तक 600 रुपये में, और ये है फुल एसी, ठीक है। और वहाँ से आप बस, शिमला से आप बस से मनाली जा सकते हैं। मैं गया था चंडीगढ़ से, मैं जो गया था मैं चंडीगढ़ से गया था, मैं चंडीगढ़ में जो रात का ही सबसे ज़्यादा बस मिलता है रात में, चंडीगढ़ से मनाली तक सबसे ज़्यादा बस मिलता है रात शाम 8-7-8 बजे से बजने के बाद, और सुबह सुबह 6:30 से बस आपको मिल जाएगा। और इसका भाड़ा लगेगा आपको बस से, अगर आप चंडीगढ़ से जाएंगे तो उसका भाड़ा लगेगा आपको, अगर एसी वॉल्वो में जाएंगे, एसी या वॉल्वो बस में, तो तब भाड़ा लगेगा आपको 1100 रुपये, ठीक है। और आप ऑर्डिनरी बस से जाएंगे तो उसका भाड़ा लगेगा 550 रुपये, ठीक है। और सबसे एक बात है कि आप अगर विंटर में जर्नी कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी बस से ही जाइए, क्योंकि वॉल्वो बस
कुल्लू या मनाली से 12 से 15 किलोमीटर के आगे एक जगह है, वहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद आपको छोटा कोई भी शेयर गाड़ी या छोटा कोई भी कार लेके, आपको रेंट पे लेके आपको जाना पड़ेगा मनाली। तो वहाँ का भाड़ा लगेगा आपका 500 से 600 रुपये। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि विंटर में अगर जा रहे हैं तो ऑर्डिनरी बस से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऑर्डिनरी बस में। अगर रात में अगर ट्रेवल कर रहे हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप ऑर्डिनरी बस से अगर जाएंगे तो ये बस पूरा मनाली का स्टैंड, मतलब मॉल रोड में जो स्टैंड है उसका, वो स्टैंड तक जाएगा बस, ठीक है। अच्छा, वहाँ का सबसे बड़ा बात है आपका, वहाँ पे जो होटल मिलेगा आपको, ये होटल बजट 800 से आप जितना उठ सकते हैं बजट में वो आप ले सकते हैं। ये दो जन का मैं बोल रहा हूँ, दो जन रह सकते हैं एक होटल में या तीन जन रह सकते हैं, वो 800 से 1200 1500 2000 के बीच आपको होटल मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा होटल। और ये मॉल रोड में, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, जैसे गोवा विवो है, मेक माई ट्रिप है, ठीक है, ये सब जो ऑनलाइन जितना सारा वेबसाइट है, यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। और इन लोगों का जो रेपुटेशन है, इसके हिसाब से जो रूम है बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत सारा लिंक में पिक्चर भी दे दूंगा, और आपको अगर चाहिए तो मैं ये मेरे या जो चैनल है इसके लिंक में मैं सब होटल का नाम और फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। अच्छा, अगर आप मनाली जा रहे हैं तो कितना दिन चाहिए आपको? सबसे अच्छा बात है आप 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज, ठीक है। और पैकेज में कभी नहीं मत जाइए, ठीक है, आप खुद जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सब अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। ये आप जा सकते हैं, मैं मार्च के महीने में गया था तो बहुत ही मज़ा आया, मतलब जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। और आप जा सकते हैं, अगर मार्च में जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि चार रात, मतलब 4 नाइट आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको अगर रेस्ट लेके घूमना पड़ेगा तो 4 नाइट का बजट आपको रखना ही है, ठीक है। 4 नाइट का प्लान है आपका, आपको रखना है। तो ये 4 नाइट के लिए पहले बात सबसे अपना, आपको तो पहुँचते आपको, अगर आप रात में ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से कलकत्ता से, रात में अगर ट्रेन है आपका कालका मेल, वो 36 घंटा लगाते हैं चंडीगढ़ या कालका पहुँचने में, ठीक है। चंडीगढ़ से आप जा रहे हैं तो 36 घंटा लगेगा, 36 या 34 घंटा, ठीक है, उससे नीचे नहीं होगा। जो जितना ही बोले थे 30 घंटा में पहुंचा देगा, लेकिन ट्रेन बहुत ही लेट करता है, ठीक है, 32 से 34 घंटा लगेगा। तो ये आप पहुंचेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि अगर शाम तक पहुंच रहे ट्रेन तो सबसे बढ़िया है कि रात को आप बस पकड़ सकते हैं चंडीगढ़ से। और चंडीगढ़ स्टेशन से आपको अगर चंडीगढ़ का बस स्टैंड जाना है, वो आपको ऑटो में जाना होगा, ठीक है। ऑटो लेगा 150 रुपये, ठीक है। आप दो जन हैं, तीन जन हैं और सिंगल हो, कोई भी हो, 150 रुपये उसका भाड़ा है बस स्टैंड तक। आपको अगर आप शाम तक पहुँचे तो आपको रात को बहुत सारा बस मिल जाएगा, एक घंटा बाद आपका बस है मनाली के लिए। आप देख लीजिएगा नाइट साइट पे, HRTC बोल के एक साइट है उन लोगों का, हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म का साइट है, वो वहाँ पे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। रेड बस से अगर बस बुक करते हैं वहाँ पे भी आपको HRTC का बस मिल जाएगा, बस का भाड़ा भी एकदम एक्यूरेट रहता है रेड बस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रात को अगर जाना है तो रात में 3 बस चलता है शायद, मुझे जो ध्यान है वो 3 बस चलता है, ठीक है, 3 या 4 बस रात में। तो अब अगर आप रात को बस मिस में चलेंगे तो आपको मनाली तक पहुंचने में सुबह हो जाएगा, सुबह 7 से 8 बजे तक आपको मनाली मॉल रोड पे वो बस उतर देंगे, ठीक है दोस्तों। और अभी आप बात करते हैं कि पहला वाला दिन जो सुबह में आपको पहुंचेंगे मनाली तो क्या करेंगे। मनाली का अगर पहुंचेंगे तो मनाली का जो मॉल रोड है, पहले दिन आप ट्रायड रहेंगे तो घूम नहीं सकते, कोई भी साइट सीन नहीं कर सकते, ठीक है।
ठीक है। पहले वाला दिन आपको क्या करना है, आपको करना है जो मॉल रोड का पास में ही एक मॉन्स्ट्री है, एक पार्क है, वो आप घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग पहले वाला दिन अगर कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप सुबह में अगर बस पहुंचेंगे तो आप फ्रेश होके रेस्ट लेके आराम से शाम तक शॉपिंग या घूम सकते हैं। और एक बात है, वहाँ का जो खाना है, ठीक है, वहाँ का जो फूडिंग कॉस्ट है, वो फूडिंग कॉस्ट आपको दो जन का जो है, दो जन का लगेगा पर डे के हिसाब से 400 से 450 रुपये। अगर आप नॉर्मली बंगाली खाना खाते हैं या राइस का थाली, मछली का जो थाली है वो लेते हैं, वो 150 रुपये का थाली आता है। एकदम मॉल रोड का जो बस स्टैंड है उसके ऑपोजिट में एक बंगाली रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे आपको 150 रुपये का थाली मिल जाएगा मछली का, ठीक है। अगर आप वेज खाते हैं, वेज का भी थाली मिल जाएगा 100 रुपये के अंदर। अगर आप नॉन वेज का कोई और डिश पसंद करते हैं तो मॉल रोड में बहुत सारा ढाबा है, एकदम बस स्टैंड के बगल में ही एक ढाबा है, वहाँ पे आपका चिकन का, मटन का कोई भी नॉन वेज आइटम मिल जाएगा, ठीक है। और जो खर्चा है पर डे का हिसाब से 400 रुपये आप पकड़ लीजिए, 400 से 450 या स्नैक्स ब्रेकफास्ट सब मिला के। और सबसे बड़ी बात है वहाँ का लोकल साइट सीन जो आप करेंगे, कैसे करेंगे। नेक्स्ट दिन आप क्या करेंगे, फर्स्ट डे वो हो गया, जो सेकेंड डे है, सेकेंड डे में आप क्या करेंगे, आप लोकल साइट सीन कर सकते हैं। लोकल साइट सीन में क्या क्या आएगा, आएगा आपका हरिम्बा टेम्पल, क्लाव हाउस, आपका ये है वशिष्ठ टेम्पल, ठीक है, राम टेम्पल, राम मंदिर, ठीक है, और है घटोत्कच मंदिर, और एक है नेशनल पार्क, और एक मंस्ट्री, ठीक है। ये चार या पांच या छह जगह आपको घुमाएगा ये गाड़ी वाला। आप अगर ऑटो में भी जा सकते हैं, रिजर्व करके, ऑटो लेगा 500 या 600 रुपए, और अगर आप छोटा गाड़ी करते हैं मारुति 800 ऐसे कोई छोटा मोटा गाड़ी जो है वहाँ पे वो लेगा 600 रुपये। मुझे जो 600 रुपये में, मैं बार्गेनिंग करके 600 रुपये में लिया था, ठीक है। और ये 600 रुपये में आप ये पांच जगह घूम सकते हैं। आपको पांच जगह घूमने में जो टाइम लगेगा, आप कोई भी टाइम है, पूरा दिन के लिए है, मतलब शाम तक है पूरा, आप 10 बजे से खाना खा के निकल सकते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकल के आप ये पांच जगह घूमते घूमते आपको शाम 4 से 4:30 बजे बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल मॉल रोड में टाइम पास कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मोमो खा सकते हैं। मोमो तो बहुत ही अच्छा है वहाँ का, मोमो ज़रूर खाइए, ठीक है। बहुत सारा दुकान है, शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये है आपका सेकेंड डे का, ठीक है। सेकेंड डे का हो गया, सेकेंड डे में आप ये करके रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड डे। थर्ड डे में आपको क्या करना है, आपको सोलांग वैली जाना है। सोलांग वैली जो व्यू पॉइंट है उसका, जो स्नो पॉइंट बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के लिए अगर आप चार जन रहें तो सबसे अच्छा है, ठीक है। अगर आप दो जन रहें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो गाड़ी का रेंट है वो है 1200 रुपये, 1000 से 1200, वो फिक्स रेट है वहाँ का। और ये जो गाड़ी होगा ये बड़ा गाड़ी, मतलब इको टाइप का गाड़ी होगा, जो मारुति का इको है, इको टाइप का, या कोई बड़ा गाड़ी होगा जो फोर सीटर होगा ही, ठीक है। कोई छोटा गाड़ी ऊपर नहीं जाता है, बड़ा गाड़ी जाता है। तो छोटा गाड़ी आने के लिए 1200 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा। और ये 1200 रुपये खर्चा करेंगे तो आप चार जन का, अगर आप अगर दो जन हैं तो और कोई दो जन होटल वाले को भी बोल दीजिए कि कोई दो जन है कि नहीं, तो आप दो जन का और इंक्लूड करके आप जा सकते हैं। तो पर हेड आपको 300 रुपये करके पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोलांग वैली में जो देखने का जगह है, जो वैली है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे आप बहुत सारा राइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आप जा रहे हैं उससे पहले गाड़ी एक जगह रुकेगा, एक दुकान पे, कोई बहुत सारा दुकान है वहाँ पे, आपको ड्रेस लेना होगा रेंट पे। और ये रेंट है पर हेड 250 रुपये,
ठीक है, उसके पूरा एक ड्रेस देगा, ग्लव्स देगा, जूता, ये सब देके आपको लेगा 250 रुपये। ठीक है, ये आप ज़रूर लीजिए, ये इसके बिना नहीं होगा, क्योंकि आपको स्नो में अगर जा रहे हैं तो बहुत सारा स्नो मिलेगा, बहुत सारा राइड करने का मन चाहेगा, स्नो में स्केटिंग करने का मन चाहेगा, तो आपका ड्रेस ख़राब नहीं होगा, जो ड्रेस ख़राब होगा वही होगा। 250 रुपये में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप ज़रूर लेके जाइए और ये बहुत प्रोटेक्शन भी देगा आपको। ठीक है, और एक बात है, आप सॉक्स जो है वो 3-4 करी कीजिएगा, क्योंकि सॉक्स जो है वो बहुत सारा गीला हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी मोटा सा जूता पहनिए, लेकिन सॉक्स तो गीला होगा ही, क्योंकि बर्फ़ में अगर आप जा रहे हैं तो बर्फ़ घुसेगा एक जूता के अंदर। ठीक है, सॉक्स जो है वो उलन सॉक्स कैरी कीजिए। उसके बाद आप व्यू पॉइंट देखने के लिए जा रहे हैं, तो व्यू पॉइंट के वहाँ पे बहुत सारा राइडिंग है, आइस स्कूटर है, पैराग्लाइडिंग है, और भी बहुत सारा छोटा मोटा ट्यूब स्लाइडिंग है, बहुत सारा छोटा मोटा राइड आपको मिल जाएगा। पैराग्लाइडिंग के लिए जो रेट है वो मैंने जो जब गया था 13,000 से लेके है, 13,000 से आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, 13,000 से 3,000 तक है, आपको बार्गेन करके लेना पड़ेगा। आपका स्नो स्कूटर भी सेम है, 150 रुपये का पार हेड के लिए, पार हेड में। ठीक है, और वहाँ पे अगर खाना चाह रहे हैं दोपहर को, अगर है सबसे अच्छा बात है, आप अगर मॉल रोड में खाना खा के उसके बाद निकले तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कोई खाना खाने वाला कोई होटल वोटल कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा क्या, मैगी, बिस्किट, केक, ये सब मिल जाएगा, लेकिन होटल वाला जो खाना है, होटल कुछ भी नहीं है, पूरा बर्फ़ में ढका हुआ है जगह। ठीक है, और आप वहाँ से आप जो रिटर्न करेंगे, रिटर्न का टाइम होगा, आप अगर सुबह जल्दी जाएंगे 10 बजे के अंदर आप अगर आप निकल गए तो आपको आते आते 4-4:30 बज जाएगा, क्योंकि ये वेदर के हिसाब से है। अगर वेदर बहुत ही ख़राब हो गया तो ड्राइवर जो है आप लोगों का, वो जल्दी नीचे आ जाएगा गाड़ी लेके। ठीक है, और एक बात है, आप ग्लव्स जो है वो कैरी कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका थर्ड डे। ठीक है, आप फोर्थ डे में क्या करेंगे, आप फोर्थ डे का है कुल्लू मणिकरण के लिए। मणिकरण जो है वो है एक गुरुद्वारा है, वो है कुल्लू से थोड़ा आगे है, 40 किलोमीटर, मनाली से 40 किलोमीटर होगा। ठीक है, 40 किलोमीटर के दूरी पे है ये, आप कुल्लू होके जा सकते हैं, इसका भाड़ा लगेगा, आप बस से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बस चलता है, जो मनाली मॉल रोड है वहाँ से आपको मणिकरण का बस मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट गाड़ी कर सकते हैं तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बस से जाना है, कम खर्चा में जाना है, तो आप वहाँ से बस मिल जाएगा, HRTC का ही बस है, वो एकदम बस स्टैंड से मिलेगा। भाड़ा है आपका लगभग 150 रुपये, आने जाने का 300, और ये आपका सबसे सस्ता वाला जो बोला मैं, ये सबसे सस्ता वाला बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका ही बजट को लेके चलना है। ठीक है, और यहाँ का जो साइट सीन के लिए आप बोल दिया, और सोलांग वैली का 1200 रुपये कार का बोला, और आपका बात है, ये कुल मिला के आपको अगर खर्चा है, ठीक है, ये है आपका 8,000 से 8,500, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मेरा हिसाब से जो मेरा जो खर्चा हुआ था वो है 8,500 का खर्चा हुआ था एक जन का, और दो जन का मैं और मेरा वाइफ गए थे, तो मेरा 16 या 17 हज़ार का खर्चा आया था दो जन का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको कोई सुविधा हुआ ये जान के, तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितना सारा डिस्क्रिप्शन में मुझे जानकारी है, मैं ये आपका जो वीडियो है इसका लिंक पे मैं डाल रहा हूँ। थैंक यू आज के लिए, अगर नेक्स्ट जानकारी अगर जानना है कुछ भी तो मुझे मेल कीजिए या फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है।
ओके थैंक यू, गुड गुड डे।